हम अक्सर बच्चों से कहते हैं आपको व्यस्त होना होगा, लेकिन बच्चों को देखते हुए हम कभी यह नहीं सोचते आपको छोटा होना सीखना होगा। हम सोचते हैं मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैंने सीखा है, मैंने पीड़ित किया है। हम बच्चों को वही सिखा रहे हैं जो हमने सुना और सीखा है। हम उन्हें निर्देश दे रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें। हम चाहते हैं कि जो मैंने उन्हें सिखाया उसका पालन करें, आज्ञाकारी बने। हम बच्चों को बैठना, बोलना, चलना, खाना, पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। इन सभी चीज़ों को सिखाते समय हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बच्चों से भी कई चीज़ें सीखी जानी हैं। बच्चों से हमें जानने और समझने के लिए अनगिनत चीज़ें हैं। मनोज गुजरेल ने ऑनलाइन समाचार को एक संदर्भ में बताया था, हमें देखने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे हमारे जैसे होने चाहिए, बल्कि बच्चों को देखकर हमें भी उनके जैसा होना चाहिए। चलो छोटा होना सीखो। हम महान चीज़ें करते हैं, हम महान बनने की कोशिश करते हैं। हर कण हमारा प्रयास है महान बनना, इसलिए हम छोटा होना नहीं सीखते। हम अपने आप को परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों, समाज सहकर्मियों के सामने जितना बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, हम ऐसा कार्य करते हैं जैसे हम सब कुछ जानते और समझते हैं। हम कभी छोटा नहीं होना चाहते। छोटा होने का मतलब सब कुछ जानना नहीं है, बल्कि कई चीज़ों के बारे में उत्सुक होना है। छोटे बच्चों के पास उत्तर नहीं है, उनके पास सिर्फ प्रश्न है। क्या हमारे पास वे गुणवत्ता भी नहीं है? दोस्तों, रिश्तेदारों, सहपाठियों के सामने ये दिखाने के लिए नहीं है कि हम सब कुछ जानते समझते हैं, बल्कि ये दिखाने के लिए है कि आप जानने और समझने के लिए उत्सुक हैं। छोटा होना विनम्र होना है, दूसरों के प्रति सम्मान दिखाना है, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे हमें नमस्कार करें, दूसरों को हमारा सम्मान करने दो। बच्चे नहीं चाहते कि कोई उन्हें सम्मान दिखाए, वे सभी के प्रति विनम्र होते हैं। वे सोचता है मुझे सभी का सम्मान करना चाहिए। छोटा होने का अर्थ उत्साहित होना भी है। बच्चे उत्साहित हैं, वो छोटी चीजों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन हम बच्चों की तरह उत्साहित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वे सब कुछ निर्दोष आंखों से देखते हैं, हमने वे गुण खो दिया है। हम किसी भी वस्तु व्यक्ति को देखने से पहले अपनी धारणा बनाते हैं। हम सभी का मूल्यांकन उसी धारणा के अनुसार करते हैं, इसलिए हम किसी भी वस्तु, दृश्य या व्यक्ति को देखने के लिए उत्साहित नहीं है। छोटा होने का मतलब है संतुलित और स्पष्ट तरीके से हर चीज को देखना। बच्चों के पास कोई आग्रह या पूर्वाग्रह नहीं है, वे सभी को समान आंखों से देखते हैं। अमीर, गरीब, बड़े, छोटे, सभी उनके लिए समान है। बच्चों में अमीर या अमीर के सामने लचीला होने और गरीब और असहाय के सामने भयानक दिखने की प्रवृत्ति नहीं होती है। जितना बड़ा होना आसान है, छोटा होना उतना ही कठिन। छोटा होने का अर्थ है विनम्र, जिज्ञासु, चंचल होना। बच्चे धूल में खेलते हैं। धूल में खेलने से कपड़े गंदे हो जाते हैं। जब कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उन्हें धोने का काम बढ़ जाता है। साबुन की लागत हम सोचते हैं, बच्चे अज्ञानी हैं। वे नहीं समझते कि आपको धूल में नहीं खेलना चाहिए। वे अज्ञानी हैं। वे किसी भी बात का परिणाम नहीं जानते हैं, क्योंकि वे सीखने की प्रक्रिया में हैं। वो जो भी गतिविधि करते हैं वो एक प्रक्रिया होती है, जैसा कि वे घर के बने खिलौने बनाते हैं और तोड़ते हैं। उन्होंने अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए ये सब काम किए हैं। उन्होंने अपनी जिज्ञासा को शांत किया है, तो ये सीखने के प्रभावी और स्थायी तरीके हैं। बच्चों से हम सीख सकते हैं कि हम अनुभव और प्रयोग से सब कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आगे ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।